वेलकम टू निंग अनदर वीडियो। आज की इस नया वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगा कि आप अगर कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कभी डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट निकाले हैं और अगर खो गए तो आप उसको कैसे अपनी फाइंड कर सकते हैं। कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साइट्स जो है वहाँ बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है और वो 2017 से होते रहा है। तो अगर खो गए तो आप फिर से निकलना चाहते हैं तो आपको वहाँ कब इशू हुआ और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ आपके सामने शो होगा और उसको आप प्रिंट आउट करके ले जा सकते हैं। तो अगर आप अपना डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड्स फाइंड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ सिंपल सा KMC बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स सर्च कर लेना है। उसके बाद जो सबसे पहला वाला लिंक देख रहे हैं इसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आपके सामने शो होगा। बर्थ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, अगर आप कभी बर्थ सर्टिफिकेट्स लिए होंगे कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से तो आप यहां से उसका डिटेल्स डालिए। फादर्स नेम, एटलीस्ट 3 जो कैरेक्टर्स होती है, पहला 3 शब्द जो है फादर्स का वो डालिए। अगर मान लीजिए किसी का नाम तैमूल है तो पहला जो 3 शब्द TAI ये डाल दीजिए। उसके बाद मदर्स का जो पहला 3 शब्द है वो डाल दीजिए। मान लीजिए किसी का नाम कुछ भी हो, मतलब मान लीजिए किसी का नाम सोनिया हो तो उसका 3 शब्द SON डाल दीजिए। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कब बर्थ हुआ था वो यहाँ डाल दीजिए। उसका सबमिट करके क्लिक करके आप उसका रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक सर्च करके दिखा देता हूँ। और एक बात इसमें क्या होता है कि अगर जब ये सर्च करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ एक उसका पहला 3 शब्द में डाल दिया किसी नाम का और मदर का पहला 3 शब्द में डाल दिया। और यहाँ मैं लिख देता हूँ कोई भी एक, उसके बाद मैं यहाँ सबमिट में क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं सबमिट में क्लिक करने के बाद कि जो नाम फादर्स नेम और मदर्स नेम डाले इसके अंदर जितने रिकॉर्ड्स होंगे सब यहाँ शो होगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ अपना नाम चेक कर लीजिएगा और उसका बर्थ कब हुआ था वो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जिस बर्थ को मैंने यहाँ लिखा उस बर्थ में कितना KMC में रजिस्ट्रेशन हुआ था उस दिन सब यहाँ शो होगा। तो इसी तरह सिंपल सा प्रोसेस है, आप यहाँ इस तरह डाल के आप अपना चेक कर सकते हैं। और इसमें एक फ़ायदा और है कि यहाँ सब कुछ शो होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर शो होता है, रजिस्ट्रेशन ईयर शो होता है और कहाँ उसका मतलब पैदा हुआ था। तो अगर खो गया आपका मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट तो आप इसको प्रिंट आउट कर लीजिए और आप प्रिंट आउट करने के बाद आप KMC ले जाइए तो आपको अपना जो है सर्टिफिकेट वहाँ से फिर से नया शो करके देगा। तो ये बहुत आसान सा तरीका है बर्थ सर्टिफिकेट देखने का। उसी तरह अगर आप डेथ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड चेक करना चाहते तो आप यहाँ सिंपल से देख रहे हैं यहाँ फाइंड डेथ रिकॉर्ड, इसमें क्लिक कर दीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अगर किसी का डेथ सर्टिफिकेट अगर यहाँ सर्च रिकॉर्ड्स उसका देखना चाहते हैं तो जो जिसका डेथ हुआ है उसका पहला जो 3 शब्द है वो आप डाल दीजिए। मान लीजिए मैं पहला 3 शब्द ये डाल दिया। उसके बाद डेट ऑफ डेथ, कब उसका डेथ हुआ था, कब उसका मृत्यु हुआ था, आप वो यहाँ डाल दीजिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसके बाद आप यहाँ सबमिट में क्लिक कर दीजिए। देख रहे हैं सबमिट में क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ इंटरफेस आप यहाँ देख रहे हैं जो उसका रिकॉर्ड आया कि जिसका डेथ हुआ था ये नाम है तैमूर हॉक और उसका सेक्स जो मेल है, फादर्स नेम ए है, रजिस्ट्रेशन नंबर ए है, रजिस्ट्रेशन ईयर ए है। तो इसी तरह आप किसी का भी आप यहाँ निकल सकते हैं उसका डेथ रिकॉर्ड हो या बर्थ रिकॉर्ड। अगर खो गया आपका डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट खो गया है तो आप सिंपल सा जो है ये वाला पेज प्रिंट आउट करके ले लीजिए, और क्योंकि यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन ईयर शो होगा। उसके बाद ये प्रिंट आउट करके ले जाइए और बाकी अदर्स डॉक्यूमेंट ले जाइए और KMC में सबमिट कीजिए तो आप अपना जो फिर से नया एक सर्टिफिकेट आप पा जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल सा आसान तरीका है अपना डेथ रजिस्ट्रेशन या बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्च करने का KMC में।
और इसका बाकायदा लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखूँगा और पहला कमेंट में रहेगा। होप आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद हुआ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले। थैंक यू।